तो दोस्तों ये गोभी वाला खेत है, इसी के जस्ट ऊपर वाला खेत जो है शिमला मिर्च की जो हमने फसल लगाई हुई थी कुछ टाइम पहले, तो वो अब तैयार भी हो चुकी है। उसमें से कुछ सब्जियां हमने खाई भी और थोड़ा बहुत जो हुए थे वो हमने बाज़ार भी भेज दिए थे। तो मिर्च के पेड़ हमने देखे, उसके बाद ये बैंगन के पेड़, हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। तो चलिए गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और सुबह के बज रहे हैं 9, सुबह के 9 बजे हम लोग आयुष और मैं बगीचे में आए हुए हैं अपनी बकरियों को लेके। और बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी घर में कुछ परेशानियाँ ऐसी हो गई थी जिस वजह से व्लॉग भी नहीं बना पाए। तो घर में कभी कभार ऐसी परेशानियाँ भी हो जाती हैं जिस वजह से वीडियो नहीं बन पाती है। तो चलिए आज एक नए सिरे से नई सुबह की शुरुआत कर लेते हैं। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन कल तक तो बारिश थी तो जिस वजह से मौसम चारों तरफ बंद था। और आज मौसम में बदलाव देखने को मिले हैं क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, चारों तरफ धूप भी आई हुई है। और भाभी अभी अभी खेत से ये घास काट के लाई हुई है। तो बहुत दिन यहाँ पर लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया, तो यहाँ हम कितना भी साफ करते हैं तो फिर भी कीचड़ ही बन जाता है। तो कुछ दिन पहले तो यहाँ पर पापा ने भी साफ़ किया था, तो पुरानी फुटेज में आपको एक बार दिखाता हूँ कुछ दिन पहले यहाँ पर क्या हाल हो गया था। हेलो, तो पुरानी क्लिप में एक बार आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आज निकाली थी बुबू जी गोट। बुबू जी क्या कर रहे हो? अरे गोट काट रहा हूं यार। गोट? हां, ये कैसे हो गया? बारिश के बाद बारिश हो गया, हो गया। हाँ। अच्छा, आज बारिश कितने दिन में रुकी फिर? अरे बहुत दिनों में रुकी, आज तभी तो पसार हो गया यहाँ। अच्छा हाँ। और ये ढेर कितना लगा दिया आपने? सफाई करनी है, गाय बच्ची डूब गई है। गाय बच्ची डूबती है क्या? हाँ, फिर कतार है। एक दो तो वहाँ बाधे हुए हैं, बाकी एक ही यहाँ पर अकेले है। ये प्याज का बीज है, ये प्याज और दो सो तेरे पापा ये काट लाई। अब मैं अरे बुआ राम से तो थी ने ठीक है ने तेरे पापा काट लाई तो नहीं मैं कहीं समय रखा तो थी पेड़ में बैठ रखा यो प्याज एक भी हूँ। तो गाइस आज हम लोग आए थे खेत में चाय देने छोड़ जा चुकी हूँ। और मैं बुबू जी लोगों को क्यों ये गोभी जो है वो गोड़ रहे थे और छोटी चाचू देखो वो जा रहे हैं सामने से बहुत दूर चले गए यार वो, तो भाई मैं भी जाता हूँ जल्दी जल्दी। गाइस हम लोग आ चुके हैं खेत में, पहुँच गए और ये देखो हम लोग पहुँच गए खेत में, मम्मा गोड़ने लग गई। हेलो मम्मा। हाँ जी, कैसे हो? कितना गोड़ दिया फिर? इतना गोड़ दिया। कहाँ से कहाँ तक? वहाँ से यहाँ से यहाँ से। इतना कैसे गोड़ देते हो आप लोग? मम्मी तो कहते हैं आप गाने सुन लीजिए। Thank you.
मम्मा एक बात बताओ, चाय कैसी हो रही है? चाय अच्छी हो रही यार। अच्छी किसने बनाई होगी? ये छोटे चाचू ने। अच्छा, मुझे लगता है आज के जमाने के माओ को तो पता ही नहीं है उनका बेटा कैसी चाय बनाता है। आपने बनाई है? आपने बनाई चाय? फिर क्या, ये क्या कर रहे थे चाचू? नकल। मम्मी चाय कैसी हो रही है बताओ? बहुत बढ़िया हरे। ये सहा मेरा आज पहली बार भी। किसानों के मित्र। किसानों के मित्र? हाँ। वाओ, छोटे छोटे किसानों के मित्र। एक तो ये जा रहे हैं, एक यहाँ पर स्वागतम करने के लिए आए हैं। कितना मस्त मस्त। वाओ, कहाँ जा रहा है? जड़ा पानी। तो सभी लोग अभी गोभी गोड़ने के काम में लगे हुए हैं, सब एक साथ। और यहाँ भी गोड़ दिया है घर वालों ने, तो सब लोग एक साथ मिलके गोड़ रहे हैं, तो इसलिए फटाफट हो जा रहा है। ये वाले खेत में भी गोड़ दिया है गोभी, और इसी के ठीक नीचे वाले खेत में इसमें भी गोभी गोड़ ली है। तो ये खेत दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा खेत है ये। हमारे घर का सबसे बड़े खेत में से एक यही सबसे बड़ा खेत है। और खेतों के साइड में इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, ये भांग के पेड़ हैं, तो इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही हो गए हैं इतने बड़े। तो दोस्तों, ये गोभी वाला खेत है, इसी के जस्ट ऊपर वाला खेत जो है शिमला मिर्च की जो हमने फसल लगाई हुई थी कुछ टाइम पहले, तो वो अब तैयार भी हो चुकी है। उसमें से कुछ सब्जियां हमने खाई भी, और थोड़ा बहुत जो हुए थे वो हमने बाज़ार भी भेज दिए थे। तो जो शिमला मिर्च हमने लगाई थी वो सक्सेसफुल रही, अच्छी खासी उसमें शिमला मिर्च लगी हुई थी। तो शिमला मिर्च इसके उस पार है, इस साइड हमने मिर्च लगाई हुई है, ये मिर्च भी हो रखी है। तो मिर्च के पेड़ भी इतने बड़े बड़े होते हैं, ये देखो यहाँ से इतनी ऊपर तक, तो इतनी एरिया में हमारे मिर्च के पेड़ लगे हुए हैं। और इसी के जस्ट इधर की तरफ हमारे शिमला मिर्च के पेड़ हैं। ये रहे मिर्च के पेड़, और इसी के बगल में देखो ये शिमला मिर्च के पेड़ हैं इतने बड़े, तो मैंने भी पहली बार देखे इतने बड़े। तो इसमें पत्ते होते हैं। अरे ये कुछ और है रे। ये भगवान क्या जुलुम है। पिनालू नहीं है यार, गड़बड़ हो गई। तो इस साइड हमने मिर्च के पेड़ लगाए हुए हैं, और इसी के जस्ट बगल में थोड़े बहुत जो पेड़ ये बड़े वाले दिख रहे हैं आपको, इतने बड़े पत्ते वाले, तो ये हैं बैंगन के पेड़। इनमें बैंगन तो लगे हुए नहीं हैं अभी, तो एक दो ही आ रखे हैं, ये देखो इतने छोटे छोटे से। तो मिर्च के पेड़ हमने देखे, उसके बाद ये बैंगन के पेड़, इनमें बैंगन तो अभी आए हुए नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े पेड़ हैं इसके। तो उसके बगल में हमारे जो शिमला मिर्च के पेड़ हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं, ये देखो इनमें भी शिमला मिर्च तो अच्छी खासी आ रखी है। तो दोस्तों, इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत भी कर रखी है, क्योंकि इनमें दवाइयाँ भी डाली हैं, और बहुत सारा जब पानी नहीं था तो उस टाइम पर पानी भी हमने इसमें डाला, तब जाके थोड़ी सक्सेसफुल रही है। और उस साइड शिमला मिर्च थोड़े बड़े बड़े हुए थे, तो इधर की साइड थोड़े छोटे छोटे हो रखे हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी शिमला मिर्च की फसल। तो आखिरकार ये सक्सेसफुल भी रही, तो अगली बार से भी इसको लगाने का हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर हो रही है। पिनालू, यह है पिनालू, और इसके अंदर होते हैं गाबा, यहाँ पर आएगा थोड़ी दिनों बाद। तो दोस्तों, ये वाले जो पत्ते हैं ये पिनालू के पत्ते हैं, तो थोड़े बहुत यहाँ पे पिनालू दिख रहे हैं, और पिनालू में गाबे भी आते हैं, उनकी सब्जी बहुत अच्छी होती है, एक नंबर। नहीं, असली चीज तो ये है भाई।
और ये हमारा पुराना वाला हौज। और ये घर वाले कहीं से चाय पत्ती का पेड़ लेके आए थे, तो ये तीनों पेड़ जो हैं चाय पत्ती के हैं, तो इनको कहीं पे फिट करना है। अब तो जहाँ से लेके आए होंगे तो वहाँ से तो इस तरीके से ये लेके आए हैं। अब इसमें से ये निकाल के कहीं पे हम मिट्टी में इनको रोप देंगे। ये टमाटर के दाने और ये हमारे टमाटर के पेड़ हैं, तो ये भी हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं पॉली हाउस के ही बगल में। टमाटर के पेड़ कुछ ही पेड़ लगाए हुए हैं हमने यहाँ पे, ये देखो दो चार पेड़। और अच्छी बात यह है इनमें टमाटर आए भी हुए हैं। और इन्हीं बीते दिनों में हमारे फल फ्रूट भी तैयार हो गए थे, खुमानी पुलम वगैरह थोड़े बहुत हुए थे तो वो हमने बाज़ार भेज दिए। और उसके बाद जो है सेब तैयार होते हैं, सेब थोड़े बाद में तैयार होते हैं हमारे, तो वो अब तैयार हो चुके हैं। तो यहीं पे पॉली हाउस के बगल में ये हमारा सेब का पेड़ एक, और इसमें सेब अच्छे खासे आए हुए थे, लेकिन चिड़ियों से बचाने के लिए हमने इसमें ये जाली डाल रखी है। तो ये सेब है, ये देखो। तो दोस्तों फल फ्रूट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और एकदम चारों तरफ कोहरा सा छा गया है, जिस वजह से वीडियो भी साफ़ नहीं आ पा रही है। तो और भी ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जिन पर हमने चर्चा करनी है और आप लोगों को दिखाना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।